and gentlemen, welcome and welcome back to my channel Wish and Glam. So may I have your attention please. So finally मुद्दतों के बाद आज ये दिन आया है, कम से कम 3 महीने बाद आज ये दिन आया है जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपने मंथली फेवरेट. तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च लास्ट जो गए हैं उनमें जो भी मेरे फेवरेट्स रहे हैं, जो भी चीज़ें, जो भी सब कुछ, एक्चुअली सब कुछ तो नहीं शेयर कर सकती क्योंकि जनवरी फरवरी ऐसा टाइम था विंटर्स का, उसमें जो कुछ क्लोदिंग आइटम्स थे कुछ थे तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई. सो मैंने तो उनको पैक कर दिया है. अब जो भी मेरे साथ चीज़ें हैं और जो भी मुझे याद है, इतना मुझे याद भी नहीं है, जो भी चीज़ें याद है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, सो टेक योर कॉफ़ी एंड स्नैक्स एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यहाँ पर मेरे पास कुछ एक दो क्लोदिंग आइटम भी है जो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ और कुछ मेरे एक आध और थे जो मैंने, एक्चुअली मैं कपड़े बहुत कम खरीदती हूँ क्योंकि मेरे कपड़े ऑलमोस्ट मुझे गिफ्टेड आते हैं तो मुझे ज़्यादा ऐसी नीड नहीं होती. और जो वैसे कुछ आइटम्स होते हैं फंकी फंकी टाइप वो मैं सैटरडे मार्केट से ले आती हूँ. सो यहाँ पर क्लोदिंग आइटम बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 महीनों के तो क्लोदिंग आइटम बहुत ज़्यादा नहीं है. सो सबसे पहले है यहाँ पर ये स्कर्ट, ये कोरियन टाइप स्कर्ट, चेक भी नहीं करेंगे सो अलग ही ब्लैक एंड वाइट वाली स्कर्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. और ये है मैंने लिया था मीशो से, आई थिंक 170-180 के समथिंग मैंने इसे लिया था. बहुत अच्छी है, इसमें मेरा साइज जो है वो आई थिंक एक्सल से भी बड़ा है तो मुझे थोड़ा सा लूज होता है बट इट्स ओके. बिल्कुल बैगी ऐसा बिल्कुल इस तरीके का नहीं होता क्योंकि मेरा बेली फैट है तो अगर बहुत ज़्यादा टाइट होता तो ना जो फैट है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता और वो दिखने लगता. तो मैंने इसे विंटर्स में बहुत स्टाइल किया, मैंने इसे कैरी भी किया और मैं इसे समर में भी स्टाइल कर सकती हूँ. कपड़ा थोड़ा सा पॉलिस्टर काइंड ऑफ है तो क्वाइट ओके. और इस तरीके की मिनी स्कर्ट है ये. सेकेंड है यहाँ पे, अगेन मैंने ना सैटरडे मार्केट से ही लिया था. सो दिस इज लाइक अ लेगी एक तरीके से आप इसको कह सकते हो. इसे मैंने विंटर्स में बहुत स्टाइल किया, समर में भी कर सकती हूँ मैं ये. ये हल्का सा मतलब अजीब सा लेदर मिक्स टाइप कपड़ा है, 30 रुपीज़ में मैंने इसे लिया हुआ था. थोड़ा सा टाइट होता है मुझे बट इट्स ओके, सही जाता है ये. जब अगर आप कोई मिनी ड्रेसेस पहन रहे हो, जैसे ये मिनी स्कर्ट थी और नीचे से आप चाहते हो कि आपको कवरिंग चाहिए तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेक्सी लगता है एक तरीके से क्योंकि ये शाइन करता है. और इस तरीके की आप अगर ऑनलाइन सर्च करोगे और ब्रांड्स में जाओगे तो ये बहुत 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 कॉस्टली है इस तरीके की पैंट्स, इस तरीके की लेगी. नेक्स्ट है यहाँ पर मेरे पास एक टॉप जिसको मैं ऑब्वियसली ब्लाउज की तरह यूज़ करती हूँ. दिस इज माई रिसेंट फेवरेट, ये मेरा चल रहा है. मैंने लास्ट मार्च में शायद मैंने इसे लिया था, होली के टाइम पर मैंने इसे लिया था. एक्चुअली मुझे चाहिए था लेमन येल्लो बट ये मस्टर्ड येलो है बट इट्स ओके. ये भी बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है. फ्रंट से इसका नेक बहुत अच्छा लगता है, फ्रंट से जब इसका लुक आता है तो बहुत खूबसूरत लगता है. आपने मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा आजकल इसको देख रहे होगे तो ये मेरा फेवरेट है. नेक्स्ट है अगेन दिस इज अ टॉप टाइप, ये कलरफुल है इस तरीके का. ये भी मैंने सैटरडे मार्केट से ही लिया हुआ था और हल्का सा वुलन वुलन में है ये बट अब समर में भी स्टाइल कर सकते हो. तो इस तरीके का ये है और यहाँ इसमें बहुत सारे कलर्स हैं. इसे मैंने अपनी एक साड़ी के साथ भी स्टाइल किया था और वैसे भी मैं इसे पहनती हूँ तो ये भी मुझे बहुत पसंद है. नेक्स्ट है यहाँ पे मेरे पास, दिस इज आप इसे स्कर्ट कह सकते हो, ड्रेस कह सकते हो बट बेसिकली ये स्कर्ट ही है, ड्रेस मतलब कुछ भी कह सकते हो. मैंने लास्ट टाइम वैसे अभी कुछ दिनों पहले स्टाइल किया था अपनी गेट रेडी विथ मी में एंड इस तरीके की है. इसका यहाँ पे फ्रिल आ जाता है, इस तरीके का है. आप इसे ड्रेस की तरह ले सकते हो, स्कर्ट की तरह ले सकते हो. नीचे से पीछे से बहुत लॉन्ग है ये तो इसका फ्लेयर जो है वो बहुत अच्छा आता है बट थोड़ा सा इसमें ना ये होता है कि प्रेस इसमें अच्छे से करनी पड़ती है वरना इसमें विजिबल बहुत ज़्यादा होता है. ये मुझे 30 रुपीज़ का मिला था और मैंने इसे ग्रैब कर लिया था कि नहीं यार, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना वहाँ सैटरडे मार्केट में कि मेरी वीडियोस में बहुत काम आती है. तो मैं यहाँ पे है क्लोथिंग में लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज अ पिंक ड्रेस. ये मैंने, ये मेरी मम्मी ने मुझे एक्चुअली मेरे लिए मंगाई थी, मीशो से मंगाई थी. बहुत अफोर्डेबल है, बहुत खूबसूरत लगती है. खोलने वाली नहीं हूँ मैं अभी इसे, फिर फचीता हो जाता है बहुत ज़्यादा. स्क्रीन पर मैं लगा दे रही हूँ, मैंने आपके साथ शेयर किया था. हम इसे अच्छे से स्टाइल
स्टाइल भी करूंगी। अभी मैंने इसे स्टाइल नहीं किया, जस्ट मैंने मीशो से था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि समर के लिए अगर आप कुछ अच्छा चाहते हो तो इस तरीके की ड्रेसेस आप ट्राई कर सकते हो, उसमें बहुत सारे साइजेस है ये। सो ये थे मेरी क्लोथिंग। एंड नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे आपसे अपने कुछ बैग शेयर कर रही हूँ, पर्स शेयर कर रही हूँ। सो सबसे पहले है This is so good। इतनी अच्छी क्वालिटी है, लाइक अ ब्रांड काइंड ऑफ क्वालिटी है। और ये एक्चुअली मेरे बर्थडे पे मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, हेमा ने मुझे गिफ्ट किया था। और अंदर से कुछ इस तरीके का है, इसमें आपको लॉन्ग स्लिंग मिल जाता है जिसमें आपको गोल्ड की चेन मिली हुई होती है, और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, हर एक चीज़ की बहुत अच्छी क्वालिटी है। क्योंकि ये ऑब्वियसली मतलब इतना अच्छा लुक देता है ना, रिच लुक। अंदर से इसमें कंपार्टमेंट्स हैं, इस तरीके के आपको कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, अंदर जिप मिल जाती है। एंड देन इस तरीके से आप इसको लॉक कर सकते हैं, लॉक इसका कुछ इस तरीके का है, ऐसे आपको लॉक करना है। आप इसे लॉन्ग स्लिंग की तरह ले सकते हो, और इसे मैं छोटा सा वैसा भी बना देती हूँ। ये आपके वेस्टर्न में इतना अच्छा जाता है, इतना अच्छा जाता है। इसका जो प्रिंट है ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों में चले जाता है, और इसका जो लेदर, ये रैगजीन जो भी है, ये ब्राउन टोन में है तो बहुत सारी चीज़ों में ये अगेन चला जाता है। तो दिस इज़ अगेन माई फेवरेट। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन मेरे पास दिस इज़ अ स्मॉल टोट बैग, एंड दिस इज़ सो गुड अगेन। इसमें भी ये बहुत स्पेशियस है, अंदर से आपको इसमें लॉन्ग कुछ तो झड़ा पता नहीं किया झड़ा, इसमें आपको अगेन एक स्लिंग मिल जाता है। स्लिंग भी बहुत अच्छा है, स्लिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है। स्लिंग को आप डीअटैच भी कर सकते हो आप यहाँ पर से, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, बट इसमें थोड़ा सा मुझे इस टोट बैग में बस ये रहता ना कि अभी थोड़ा थोड़ा सा ना गंदा होने लगा है, तो आई डोंट नो मैं इसको क्लीन कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसका वाइट जो पोर्शन है, अंदर से बहुत स्पेसियस है, इवन बहुत अच्छा सामान आ जाता है इसके अंदर। लास्ट विंटर में मैंने इसी को स्टाइल किया है लास्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर मेरे पास कुछ एक्सेसरीज, ज्वेलरी आइटम। सो हेयर एक्सेसरीज है यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले। सो दिस इज माई फर्स्ट एक्सेसरी, हेयर एक्सेसरी। इस तरीके के क्लचर्स हैं और बहुत क्यूट, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं इस तरीके की। अब ये पिंक वन है, एंड देन दिस इज अगेन वाइट, और इसमें ब्लू कलर का इस तरीके से यू नो मैसी सा वर्क हुआ पड़ा है। और ये हेयर पर लगाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ मैं कोई तो हेयर स्टाइल आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, और बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छे हैं। तो नेक्स्ट है दिस इज पर्ल हेयर बैंड, अगेन दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट। सो इस तरीके का है, और आज मैंने इयररिंग भी नहीं पहना है, मुझे ध्यान ही नहीं है, मैं अभी पहन लेती हूँ कोई तो। सो इस तरीके का है और बहुत खूबसूरत है। आपको मतलब नॉर्मली पर्ल वगैरह, पर्ल की मैं इतनी बड़ी दीवानी हूँ ना कि क्या ही बताऊँ, मतलब आई लव पर्ल बिकॉज पर्ल एक ऐसा चीज़ है, आप वेस्टर्न ले लो, इंडियन ले लो, या फिर नॉर्मली आप कैजुअली आप लुक रखना चाह रहे हो, आज आप बाहर जा रहे हो और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप अपने कोई स्मॉल से स्टड डालो गले में, या स्मॉल सा कोई गले में नेक पीस डाल लो उसका, पर्ल का, एंड यू आर गुड टू गो। दिस इज अ ज्वेल गैलेक्सी ज्वेलरी, मैंने रिसेंटली ट्राई करी है, लास्ट विंटर में मैंने इसे बहुत ट्राई किया, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। सो एक्चुअली इसे तो मैंने किसी गिफ्ट पर्पज से मंगाया था, ये रिंग्स को, बट दिस इज सो गुड। मैं ना मतलब कभी कभी वेस्टर्न में होता है कि यार मैं हाथों पे क्या डालूं, तो मैंने इस तरीके की रिंग्स को लिया है, जो आप यू नो बहुत सारे कॉम्बोज आते हैं उस तरीके में, तो ये बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत क्लासी लगती हैं। ज्वेल गैलेक्सी की हैं तो बहुत अफोर्डेबल हैं, इसमें से तो एक दो ऐसी है, ऐसा मतलब वो है ना डिज़ाइन की, मुझे लगता है यार मैं गोल्ड में बनवाऊंगी इसे कभी तो इस तरीके का है। वो स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी, और लिंक सारे ही जो लिंक है ऑनलाइन लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, एंड देन जो ऑफलाइन है सॉरी मैं उनका नहीं बता सकती हूँ, बट मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर मेरे पास अगेन दिस इज़ अ रिंग, सॉरी इयररिंग। ये इस तरीके का है, एक तो मैंने इसमें से गुम भी कर दिया है, जस्ट मैंने इसमें पैकेट में ऐसे डाल रखा है कि काम आता है पहनते वक्त, तो इस तरीके से है। आपने मुझे पहने हुए भी देखा होगा, आजकल मैं इन्हीं को स्टाइल करती हूँ अपने वेस्टर्न के साथ। सो दिस इज सो गुड, सो क्लासी, एंड सो ब्यूटीफुल। और इस तरीके के बाकी के छोटे से स्टड इसमें मिले हुए हैं, बड़े ये दो ही हैं, और इसमें कि मैं और भी ट्राई करना पसंद करूँगी।